अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरूज सेफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बूटस्ट्रैप टैब्स एंड पिल्स, जिसमें हम देखेंगे कि हम बूटस्ट्रैप पिल्स में मेन्यूज को किस तरह से स्टाइल दे सकते हैं, किस तरह उसमें पिल्स क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम टैब्स को क्रिएट कर सकते हैं या स्टाइल कर सकते हैं। जो हमारे पास HTML में जो मेन्यू जो डिफाइन होता है वो बेसिकली ज़्यादातर अनऑर्डर्ड लिस्ट को ही हम यूज़ करते हुए अपने मेन्यूज़ को डिफाइन करते हैं। सो हम जो बूटस्ट्रैप के थ्रू अपने मेन्यूज़ को क्रिएट करेंगे या डिफाइन करेंगे वो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू करेंगे, और इसमें हम जो क्लास असाइन उसे करेंगे वो होगी हमारे पास लिस्ट इनलाइन, जो कि हमारे पास हॉरिजेंटल मेन्यू क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारे पास जो मेन्यू होगा वो किस तरह का क्रिएट होगा इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं एक डिव लूँगी, उसे मैं क्लास कंटेनर दे दूँगी। एंड देन मैं इसमें अपना जो मेरे पास जो बूटस्ट्रैप के मेन्यू क्रिएट करने का जो कोड है वो ऐड करूँगी। जस्ट मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट किया, उसमें लिस्टेड आइटम्स दे दी हैं और उसको मैंने क्लास दे दी है अनऑर्डर्ड लिस्ट को लिस्ट इनलाइन। इसकी आउटपुट चेक करते हैं तो मेरे पास ये मेन्यू क्रिएट हो गया। इसमें अगर हम चेक करें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट्स और जो हमारे पास एंकर टैग्स क्रिएट होते हैं वो अंडरलाइन होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिकली रिमूव है, और ये जो हमारे पास लिस्ट क्रिएट हुई है, जो हमारे पास मेन्यू है वो इनलाइन क्रिएट हुई है। टैब्स क्रिएट करने के लिए हम जो अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्लास यूज़ करेंगे वो होगी हमारे पास नेव टैब्स की, और अगर हम उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो हमारे पास लिस्टेड आइटम है अगर हम उसकी किसी भी टैब को एक्टिव रखना चाह रहे हैं तो उसे हम क्लास एक्टिव असाइन कर देंगे। इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर इसको मैं दे देती हूँ नेव टैब क्लास, और इसको मैं फर्स्ट वन को कह देती हूँ क्लास में पास जो है वो एक्टिव है। इसकी आउटपुट चेक करें तो मेरे पास ये टैब्स क्रिएट हो गए हैं। फर्दर हम जो टैब्स हम क्रिएट कर रहे हैं इसमें अगर हम जो ड्रॉपडाउन मेन्यू अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जो हमारे पास एंकर टैग्स हम यूज़ कर रहे हैं लिस्टेड आइटम में, उसमें हम क्लास यूज़ करेंगे ड्रॉपडाउन टॉगल की, और उसमें डेटा टॉगल रख देंगे हम ड्रॉपडाउन, और उसमें जो मेन्यू क्रिएट करेंगे उसमें साथ स्पैन क्लास कैरेट दे देंगे, और अनऑर्डर्ड जो लिस्ट होगी उसे हम जो क्लास असाइन करेंगे वो हो गई हमारे पास ड्रॉपडाउन मेन्यू की। इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जो मेरे पास फर्स्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसमें मैंने जो फर्स्ट क्लास दी है वो नेव टैब ही रहने दी, जैसे फर्स्ट हमने की थी। जो फर्स्ट लिस्टेड आइटम थी उसमें मैंने जो होम जो मैंने अपना मेन्यू वर्क क्रिएट किया है उसके लिए मैंने क्लास एक्टिव दे दिए। जो सेकंड मेरी लिस्टेड आइटम है इसमें मैंने जो एंकर टैग यूज़ किया है मेन्यू वन, इसमें जो मैंने क्लास दी है वो ड्रॉप डाउन टॉगल की दी है, और जो मैंने यहाँ पर इवेंट कॉल किया है वो डेटा टॉगल इज इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन दे दिया है। देन मैंने इसके साथ कैरेट साइन यूज़ किया है जो कि ड्रॉप डाउन मेन्यू को शो करेगा, और इसमें जो फर्दर मैंने सब मेन्यू लगाया है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट दी है, और इसमें मैंने इसकी जो क्लास ऐड की है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू की है। देन जो मेरे पास सेकेंड लिस्टेड आइटम थी वो यहाँ पर क्लोज हो गई, देन थर्ड लिस्टेड आइटम क्रिएट किए हैं, एंड देन फोर्थ। तो मेरे पास चार मेन्यूज़ हैं, और जो सेकेंड वाला मेन्यू है जो मेरे पास सेकेंड लिस्टेड आइटम है इसमें मैंने सब मेन्यू क्रिएट किया है, जो मेरे पास ये सब मेन्यू 1, 2, 3 शो हो रहे हैं। इस चीज़ को आप चेक करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर ये
ड्रॉप डाउन शो हो रहा है और ये मेरे पास सब मेन्यूज क्रिएट हो गए हैं जो मेरे पास मेन मेन्यू आ रहा था। इसी तरह अगर हम पिल्स क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने मेन्यू में, उसकी जो स्टाइलिंग है वो पिल्स की फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग जस्ट क्लास जो टैग की जगह है वहाँ पर हम पिल्स यूज़ कर लेंगे। और इसके लिए भी अगर हमने क्लास को एक्टिव करनी है अपने किसी भी मेन्यू में, तो उसमें क्लास एक्टिव दे देंगे। इस चीज़ को भी चेक करते हैं। इसमें यहाँ पे मैं क्लास कर दूंगी पिल्स। तो मेरे पास ये पिल्स फॉर्म में आ गया जो मेरे पास मेन्यू था। इसके अलावा अगर हम पिल्स को वर्टिकली डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जो हम क्लास यूज़ करेंगे वो नेव स्टैक की क्लास यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारे पास पिल्स क्रिएट होंगी यानी कि जो मेन मेन्यू क्रिएट होगा वो वर्टिकल अलाइनमेंट में आ जाएगा। इसमें फर्दर ये क्लास ऐड करके देखते हैं। मेरे पास जब ये मेन्यू आया है ये मेरे पास फुल विड्थ आ गया, यानी कि अगर हॉरिजेंटल फुल विड्थ इसने एरिया कवर किया है। इसी तरह मेरे पास सब मेन्यू है ये भी शो हो रहा है, और जो थर्ड मेन्यू और सेकंड मेन्यू ये भी शो हो रहा है। अगर हम अपने टैब्स और पिल्स को सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो क्लास यूज़ करेंगे हैं वो है नेव जस्टिफाइड की क्लास को ऐड करेंगे टैब्स में या पिल्स में, तो जो उसमें जो टैब्स होंगे वो सेंटर अलाइन हो जाएंगे। इसको अगर स्टैक को मैं ख़त्म करके जस्टिफाइड करती हूँ, तो मेरे पास ये सेंट्रल लाइन आ गया मैंने। सो इस तरह हम बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस हैं टैब्स और पिल्स को यूज़ करते हैं हम अपने मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं।